खबर है रीवा से, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिविल लाइन में अटल पार्क का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया है। इस पार्क का निर्माण 326 लाख रुपए की लागत से पुनर्गठीकरण योजना से किया गया। इस 10 एकड़ में पार्क में फूड प्लाजा, 1400 मीटर पथवे, 4 गेट और 3 एकड़ में 200 वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा दी गई है। नागराधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो मग्गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघटोः विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गराध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यापठेत् षड्यादपि विद्यारम् बाधाएं आती हैं गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा अब अपनी हर उपलब्धि का उत्सव मना रहा है। इस दौरान सुप्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर के गीतों के साथ आज हम सब अटल पार्क फ्लाईओवर और 20 अक्टूबर के आसपास लोकार्पित हो रहे रीवा एयरपोर्ट की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। बताया गया कि रीवा के विकास के लिए यह अच्छी सड़क, रेल मार्ग और हवाई सेवा की सुविधा आवश्यक है। यह विकास तभी सार्थक होगा जब युवा पीढ़ी को नशे की राह से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस बात का संकल्प ले कि हम ना तो नशा करेंगे और जो भूलवश नशे की राह में चले गए हैं उन्हें जागरूक कर सामान्य जीवन की ओर मोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में नशे के विरुद्ध पुलिस ने अच्छी कार्रवाई कर सराहनीय योगदान दिया है। थोक विक्रेताओं और नशे के बड़े सौदागरों को जेल का रास्ता दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा अब तेजी से विकास कर रहा है। मैं रानी तालाब की माँ कालिका देवी चिरहुला नाथ स्वामी और महामृत्युंजय भगवान के आशीर्वाद से संकल्प लेता हूँ कि अब रीवा को देश का सबसे विकसित जिला बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि देश में अव्वल बनने तक रीवा के विकास की गाड़ी सरपट दौड़ती रहेगी। क्योंकि अब रीवा बड़ा सेरेमोनियल हो गया है, बड़ा उत्सवी हो गया है और जब भी कोई नई उपलब्धि मिलती है, सौगात मिलती है तो हम लोग इसी प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं। विंध्य महोत्सव जो एक परंपरा बन गया था, 3-4 वर्ष विंध्य महोत्सव में रीवा के लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को सुनने का आनंद उठाया, लेकिन उसके बाद 2018 में लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता के कारण 19 में कार्यक्रम नहीं हुआ, फिर 20 से कोविड आ गया तो दो वर्ष कोविड के कारण कार्यक्रम नहीं हुआ और अब हमको मौका मिला है कि रीवा इस उपलब्धि को पसे भी इसी उपलब्धि को थोड़ी अभी हमने सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है, कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये सारी उपलब्धियां किसी बाधा दौड़ से कम नहीं है। आदरणीय सांसद जी हमारे यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं, मंच पर बैठे हैं, हमारे सुरेंद्र सिंह के वरिष्ठ विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, श्रीमती नीता कोल जी, वेंकटेश पांडे जी, केपी जी, पार्षद अर्चना जी, हमारे सभी वरिष्ठ संभाग स्तरीय अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी और सारे प्रबुद्ध नागरिक पार्षद सहित। तो ये चूंकि अटल जी के नाम से पार्क हो रहा है
इसे अटल जी की कविता मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के आयोजक समदड़िया बिल्डर्स और राहुल और सिद्धार्थ पांडे ने अटल जी की प्रतिमा अभी बाहर फोटो लगाई है और उसमें एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जो मुझे बहुत ही पसंद है। सत्रह के महापौर जी योगेश ताम्रकार जी भी यहाँ पर उपस्थित थे परिवार सहित, सभी माताएं बहनें एक को छोड़कर सभी हमारी बहनें और माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अटल जी की कविता है, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। मैं अभी युवा पीढ़ी जिसके सामने सुनहरा भविष्य है उनको नशे से बचाना पड़ेगा। मैं पुलिस विभाग के लोगों को बधाई देता हूं, अधिकारियों को, कि उन्होंने कोरेक्स के खिलाफ अभियान चलाया, जो कोरेक्स का को इकट्ठा करते थे उनको पकड़ा, जो कोरेक्स का व्यापार करते थे उनको पकड़ा, एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की। संसदीय पुलिस वालों ने बताया कि यूपी में एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई नहीं होती, थाने से जमानत हो जाती है। तो हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जाकर मुलाकात की और हमने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई होती है, सालों जमानत नहीं हो पाती और आपके यहाँ थाने में जमानत हो जाती है, इसलिए कोरेक्स का अवैध भंडारण करने वाले लोगों को यदि पकड़ में आते हैं तो एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करके इस नशे का काम करने वाले लोगों को हतोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए, हमने उनसे भी बताया, उन्होंने भी कहा कि बहुत ज़रूरी काम है। तो इसलिए यहाँ पर जो युवा साथी हैं उनका साथ हमें चाहिए कि पुलिस और प्रशासन से ये काम सिर्फ नहीं हो सकता है। हमने प्रशासन से भी कहा कि आप सुधार केंद्र खोलिए और यदि नशे के कोई आदि हो गया है तो मुझे मालूम है कि 4 महीने यदि सुधार केंद्रों में उनको रख दिया जाए तो नशे की आदत उनकी छूट जाएगी। तो पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी और प्रशासन कमिश्नर साहब और कलेक्टर के नेतृत्व में सुधार केंद्रों में उनको सुधारने का काम करेगी। और हमारे युवा क्या करेंगे, हमारे युवा भी जन जागरण करके उनके बीच का कोई व्यक्ति यदि इसमें फंसा है तो उसका नाम बताएंगे जिससे कि उसको हम सुधार केंद्रों में पहुंचाने का काम कर सकें। ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे युवा इस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।